नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कल के बाजार का क्या आउटलुक होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के एक्सपायरी पे क्या ट्रेड आपको जैकपॉट के लिए मिल सकता है। यहाँ देखेंगे तो नन स्टॉप रैली 20,800 से ये रैली दिखा था, 21,500 तक का रैली दिखा। कहाँ से दिखा? ये 20,800 से रैली दिखा। इसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट बुकिंग आते दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार अभी भी कमजोर है। बाजार को कमजोर होने के लिए मिनिमम 300 के लेवल को तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 21,300 इस समय मेजर स्टॉप लॉस रहा होगा। जो बड़े पोजिशनल ट्रेडर हैं, जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है या जिन्होंने ऑलरेडी पहले से लॉन्ग है या इस समय लॉन्ग रिसेंट के हैं या पहले के, मैक्सिमम SL जो है 300 to 250 होगा और इस लेवल के ब्रेकडाउन पर ही एक बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको OI दिखाऊं, OI देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप ये पाएंगे कि 21,500 एक मेजर सपोर्ट हो रहा था, वो इस समय रेजिस्टेंस बना। 53 लाख यहाँ देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? 53 लाख पुट की OI है, जबकि 1.32 लाख कॉल की, और इस समय 400 एक सपोर्ट दिख रहा है और मुझे लगता है कि ये सपोर्ट बाद में हट करके 21,000 के आसपास आते दिख सकता है। तो 500 एक मेजर रेजिस्टेंस है, वो अपने को दिख गया। अब मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूंगा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे जो अर्लियर पिछले 2 दिन से क्या देखने को मिल रहा था। 2 दिन से ये देखने को मिल रहा था कि ये जो ट्रेंड हुआ करता था, ये अपर साइड का ट्रेंड हुआ करता था। इससे पहले क्या देखने को मिला? इससे पहले भी हमने क्या देखा कि पूरा दिन बाजार गिरा और 2 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास एक रिवर्सल ट्रेंड अपर साइड दिखता था। कुछ इसी प्रकार के सिनेरियो देखने को मिलते थे। यहां देखेंगे कि अर्ली मॉर्निंग गिरा और उसके बाद बढ़ा, यानी सेकेंड हाफ में जब भी आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ के ट्रेंड आपको एक इस प्रकार के रिवर्सल ही दिखते थे। लेकिन जो प्राइस एक्शन अर्लियर दिखता था वो बिल्कुल रिवर्स हुआ, और आज के अगर ट्रेंड को देखेंगे, आज के ट्रेंड को देखेंगे तो आज अर्ली मॉर्निंग से ही ये 9:15 का पहला कैंडल रहा था, इसका ये सपोर्ट रहा था 21,366, और जो अपर रेजिस्टेंस रहा था 470, और यहां से देखेंगे एक पहला कैंडल बड़ा रिवर्सल रहा, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू करा, और इस ट्रेंड कंटिन्यू के बाद हमने क्या देखा कि ये जो ट्रेंड दिखा है, ये दिखा है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई के ट्रेंड देखने को मिले। अब हमको क्या करना है, इस चीज को समझेंगे कल अपने को कहां ट्रेड मिल सकता है। इस चीज को तो आपको श्योरली समझना चाहिए कि ये जो लेवल दिख रहा है 21,370 के आसपास का, ये एक मेजर सपोर्ट है और इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन एक बड़ी गिरावट ला सकती है, और 380 तक का लेवल आप समझे, यहां तक ये एक डिमांड जोन बनते दिख सकता है। तो कॉल के लेवल्स का क्या क्या पोजिशन हो सकता है? पहला लेवल देखेंगे तो 21,380 से 400 के आसपास का ये पहला कॉल का एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, जिसका टारगेट क्या होगा 21,440। ये पहला टारगेट आएगा, यहाँ इस प्राइस पे कहीं कॉल लेंगे जहां 41,440 to 460 के ट्रेंड को देखेंगे। दूसरा सिनेरियो, ये कब या तो गैप डाउन हो करके 380 को ब्रेकआउट करे, या फिर 380 और 420 के बीच में कहीं भी खुले, फिर जो 420 के आसपास के लेवल को ब्रेकआउट करे, तो ये ट्रेंड जो है 440 से 470 तक के लेवल्स दिखेंगे और बेस्ट प्रोबेबली जोन 380 के आसपास का होगा। दूसरा मान लीजिए कि 460 से लेकर के 380 यहाँ इस जोन में कहीं भी ओपनिंग हुआ, इस ओपनिंग के बाद अगर 460 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 41,460 से लेकर के 80 के जोन को देखेंगे, जो आपका टारगेट कितना देगा 41,520 से लेकर के 50 तक का टारगेट दे सकता है। तो कॉल के 2 सिनेरियो हमने देखा, पहला नियर अराउंड 400 to 380 का प्राइस देखना है और दूसरा 460 ये ब्रेकआउट को पकड़ना है, या तो यहां से रिट्रेसमेंट को या फिर मोमेंटम को इसको पकड़ना है। अगर मान लीजिए इस जोन के नीचे कहीं ओपनिंग हो, फिर तो सीई को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, ओनली पीई को, और इसके नीचे जो आपको देखना है
वो 260-280 के रिवर्सल के जोन का, ये रिवर्सल जोन का वेट करेंगे जिसका 320 के आसपास का टारगेट होगा। कॉल के बस मात्र ये तीन लेवल्स देखने हैं, पुट के क्या क्या लेवल्स देखने हैं उसको समझेंगे। पुट के लिए इंपोर्टेंट है 380-66, ये डिमांड जोन का ब्रेकडाउन होना, या तो यहाँ खुल करके ब्रेकडाउन करे, रिवर्स आए, फिर इसको ऊपर जा ही नहीं पाए, यहां से ही कंटिन्यू करे। तो पहला जो जोन देखना है 21,360 के नीचे अगर निफ्टी आया, तब आप समझिए कि पुट के ट्रेंड को ही आप देख पाएंगे। यहां से पहला टारगेट क्या होगा, 21,320 विल बी द फर्स्ट टारगेट, द सेकेंड टारगेट विल बी 21,280 और तीसरा टारगेट 21,220। ये तीन टारगेट जो है नीचे की तरफ, अगर 366 के लेवल को ब्रेकडाउन करा तो ये टारगेट दिखेगा। और मान लीजिए कि इसको यहां से रिवर्सल दिख गया, यहां से रिवर्सल दिख गया, तो अपर साइड जो आपको ट्रेंड देखना है 21,480-500 के आसपास पहला पुट देखेंगे जिसका 420 के आसपास का टारगेट होगा, और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो फिर आप 21,580 से लेकर के 21,620 के आसपास के लेवल को देखेंगे। ये दो लेवल ही आपके रडार पे होने चाहिए। तो इसमें ये दो लेवल हो गया। अब बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे उसको समझेंगे। बैंक निफ्टी को सिंपली देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा, और जो कल के जो लो थे बॉडी के उसके नीचे की क्लोजिंग हुई, यानी बैंक निफ्टी पोटेंशियली देखेंगे तो एक लोअर ट्रेंड में आते दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी को कल के लिए कैसे ट्रेड करना है उससे पहले एक बार ओआई को देखेंगे, और ओआई में क्या दिख रहा है, ओआई में अपने को सिंपली ये समझ में आ रहा है कि इस समय ओआई में देखेंगे तो इस समय ये समझ में आ रहा है कि 48,000 एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। अब ट्रेड कैसे करेंगे इसके लिए मैं इसको थोड़ा 15 मिनट में जाने की कोशिश करूंगा, और 15 मिनट में इसको मैं जो ओआई है इसको हटाते हैं। सेम पैटर्न जो हमने निफ्टी में देखा था, सेम पैटर्न देखेंगे कि आज यहां देखेंगे लोअर लो लोअर हाई का ट्रेंड दिखा। अब ट्रेड कैसे लेना है इसको समझेंगे, क्योंकि ट्रेंड इस समय स्ट्रांग है, तो पहला जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा रिवर्सल का, और ये एक सपोर्ट जोन है, इस चीज को याद रखेंगे। ये जो लेवल आपको दिख रहा है और सपोर्ट जोन दिख रहा है, और इस सपोर्ट जोन को आप ये मान करके चलिए कि ये जो लेवल है यहां तक सपोर्ट जोन दिखेगा। तो कॉल का लेवल पहला कहां मिलेगा, पहला यहां ये रिवर्सल, इस जोन में कहीं भी खुले तो पहला एक रिवर्सल दिख करके ब्रेकडाउन दिखेगा, इस चीज को बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है। तो पहला जो आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है, इस चीज को याद रखेंगे, जो पहला ट्रेंड फाइंड आउट करना है वो 41,720 के आसपास इस जोन में करना है, जिसका टारगेट क्या आएगा, इसका टारगेट आएगा 47,862-900। यहाँ पे एक ट्रेंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ट्रेंड कहाँ, 47,900 टू ये जो रेजिस्टेंस है 48,000 के, जो कॉल के राइटर हैं उसके एसएल जाते दिखेंगे। दूसरा ट्रेंड 48,000 के आसपास, जिसका टारगेट 48,160 से 240 का लेवल होगा। पहला लेवल हमने क्या देखा, 47,700 के आसपास देखेंगे, जिसका टारगेट क्या होगा, 47,860। दूसरा 48,000 के ऊपर दिखेंगे, जिसका टारगेट 48,160 होने वाला है। ये दो लेवल्स हमने कॉल के लिए देखा। और तीसरा मान लीजिए कि अगर 48,150 और 200 के आसपास के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये 48,360-500 तक के लेवल्स भी दिख सकता है। ये सिंपल तीन लेवल। अब पुट के लिए अपने को क्या है, मिनिमम 47,680 के लेवल को ब्रेकडाउन करने देंगे, क्योंकि दिस विल बी द लास्ट सपोर्ट। ये सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन हुआ तो यहां से बड़ी गिरावट दिख सकती है। 47,680 के नीचे पहला टारगेट 47,600 और दूसरा टारगेट 47,480, लेकिन जो तीसरा टारगेट आएगा वो 200 तक के लेवल्स दिख सकता है। आप ये मान करके चलिए 47,700 के नीचे एक बड़ा ब्रेकडाउन भी आपको देखने को मिल सकता है, इस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। इस रेंज में घूम करके अगर यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है फिर तो पुट को इग्नोर करेंगे, फिर ओनली कॉल को ही फोकस करना है। अब देखेंगे फिन निफ्टी कि आखिर फिन निफ्टी के क्या ट्रेंड दिखेंगे। अब मैंने फिन निफ्टी के ट्रेंड को
ओपन कर लिया है। फिन निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देखेंगे तो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली भी वीक दिख रहा है और इवन 21,450 भी एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। अब इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको लेता हूं तो यहां से आपको एक चीज समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा 15 मिनट करता हूं ताकि आपके व्यूज, और यहां अपने को क्या देखने में मिल रहा है, यहां देखने में एक सिंपल ये मिल रहा है कि यहां से ट्रेंड लाइन देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और लोअर साइड के ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन ही अपने को देखने को मिल रहा है। ये लोअर लो लोअर हाई का ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अब जो इसका मेजर सपोर्ट होगा, इस चीज को समझेंगे, इसका जो मेजर सपोर्ट होगा वो नियर अराउंड 400 के आसपास का लास्ट सपोर्ट होगा। तो अपने को एक बार मान लीजिए हाँ पुट के लेवल्स यहां से अपने को आइडेंटिफाई करने हैं, जिसके बाद प्रोबेबली ये जो लोअर ट्रेंड है 200 यानी यहां से एक बड़ा जैकपॉट ट्रेंड मिलेगा और अपर साइड 520 के ऊपर बड़ा ट्रेंड मिलेगा। पहला चीज तो इस चीज को याद रखेंगे कि जब तक फिन निफ्टी, इस चीज को याद रखेंगे कि जब तक फिन निफ्टी 21,000 से लेकर के 21,400 से लेकर के 21,520 में है, एक बड़ा जैकपॉट ट्रेड या बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करने से बचेंगे। कॉल के लेवल्स कहाँ फाइंड आउट होगा, पहला लेवल यहाँ पे देखेंगे तो 41,480 पे, जिसका टारगेट 41,520 होने वाला है, पहला टारगेट। दूसरा क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अपर और लोअर दोनों 50% ही है, तो 41,400 पर भी देखेंगे जिसका टारगेट 41,462-480 होने वाला है, ये दो लेवल। और तीसरा यहाँ 41,520 को अगर ब्रेकआउट करता है तो 21,600 प्लस तक के लेवल्स दिखेंगे। ये कॉल के तीन लेवल हैं, और अगर ये 400 को ब्रेकडाउन कर दिया फिर कॉल को बिल्कुल भूलेंगे, फिर 240 के नीचे ही, फिर 21,240 के नीचे ही कॉल को देखना है, सिंपल सिंपल। अब देखिए पुट का, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, यहां से गिरेगा तो यही सपोर्ट बनने वाला है, तो 21,390 के नीचे आपको पुट को देखना है, जहां पहला टारगेट 21,360 का छोटा टारगेट आएगा, लेकिन जो दूसरा टारगेट है वो 21,300 और तीसरा टारगेट 21,220, ये तीन टारगेट दिखेंगे। 390 के नीचे ओनली फोकस करना है पुट को, फिर आपको 200-240 से रिवर्सल दिखेगा, तो इस रिवर्सल को कॉल के लिए लेकर के जाना है। तो इस प्रकार से अगर आप ट्रेड करते हैं तो यकीनन आप एक बेटर इंट्राडे प्रॉफिट बनाते दिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा।